वेलकम टू माय सर्विस सेंटर। आज हम LG 32 इंच LED टीवी के बारे में जानकारी देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, बैकलाइट और साउंड सही से आ रहा है लेकिन कोई पिक्चर नहीं बन रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, कैसे मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आज हम दिखाएंगे। आज इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, अब एंड तक देखते रहिए। इसका कलर बोर्ड है, इसको ठीक से जाँच करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ किया या नहीं, या कोई पार्ट्स बर्न हुआ है नहीं, ये भी देखना है। तो पहले हम वोल्टेज को चेक करें। इधर देखिए ये 12 वोल्ट पैनल सप्लाई भी सही है। उसके बाद देखना है 3.3 वोल्ट, तो देखिए 3.3 वोल्ट भी सही है। और उसके बाद देखना है एबीडी वोल्टेज, देखिए ये एबीडी वोल्टेज है 16 वोल्ट, ये भी सही है। उसके बाद देखना है VGH वोल्ट, हाँ देखिए VGH वोल्ट भी सही है। और ये VGL वोल्टेज है, हाँ ये वोल्टेज भी सही है। तो ये सारे वोल्टेज सही है लेकिन कोई पिक्चर नहीं बन रहा है। तो एक बार देखना है इसमें जो RX सिग्नल है वो ठीक से आ रहा है या नहीं। तो चलिए RX सिग्नल वोल्टेज को एक बार देखना है, देखिए ये RX सिग्नल लाइन है, ये 0- सही है और ये 0+ ये भी सही है, ये 1+ सही है, ये 1+ सही है और ये 2- सही है, ये 2+ ये भी सही है और ये C- ठीक है और ये C+ ये भी सही है और ये 3- ठीक है और ये 3+ ये भी सही है। तो RX सिग्नल भी सही है, तो प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है? तो इसमें हम एक बार जो मेमोरी IC, ये पैनल जो मेमोरी IC है, इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो कोरप्ट हो जाता है। तो हम इस बार ये मेमोरी IC को एक बार चेंज करके देखेंगे। तो मेरे पास एक सेम्स कलर बोर्ड है, देखिए यहाँ से हम मेमोरी IC को ओपन करके यहाँ इंस्टॉल करके देखेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं, क्योंकि इसमें सारे वोल्टेज RX सिग्नल सही है लेकिन कोई पिक्चर नहीं बन रहा है। तो ये IC को हम यहाँ एक बार इंस्टॉल करके देखेंगे। तो चलिए पहले हम ये IC को ओपन करें। कुछ सेट में इस मेमोरी IC सॉफ्टवेयर कोरप्ट होने से नो पिक्चर हो जाता है, उस टाइम इस मेमोरी IC में फिर से सॉफ्टवेयर डालने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो मेरे पास दूसरा स्कैनर बोर्ड था, इसीलिए मेमोरी IC ओपन करके मेन स्कैनर PCB में हम सोल्डरिंग कर दे रहा है, सोल्डरिंग कर दिया, देखिए ठीक से सोल्डरिंग करना है। हाँ IC लग गया, अब देखना है पिक्चर सही से आ रहा है या नहीं। तो अब देखिए, देखिए पिक्चर आ गया। तो इसके मतलब है इस मेमोरी IC में से सॉफ्टवेयर खराब हो चुका था, इसीलिए नो पिक्चर हो गया था।
तो मैंने मेमोरी आईसी को चेंज कर दिया और पिक्चर आ गया।